हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है नोएडेक चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। तो उससे ही पहले कह रहा हूँ भाई, लाइक कर देना इस वीडियो पर। हम लाइक एम रख रहे हैं 600 लाइक्स का। आई नो आप कंप्लीट कर दोगे यार, कंप्लीट कर दो। एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप किस तरीके से गूगल कैमरा को यानी कि जी कैम को इंस्टॉल कर सकते हैं अपने सैमसंग के A50 पे। यहाँ पर काफ़ी सारे व्यूवर्स मुझसे कह रहे थे कि भाई गूगल कैमरा के ऊपर वीडियो बनाओ सैमसंग के A50 के। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप किस तरीके से गूगल कैमरा को यानी कि जी कैम को इंस्टॉल कर सकते हैं 50 के लिए। फाइनली मुझे एक पूरी तरीके से कंपेटेबल एप्लीकेशन मिल चुकी है A50 में, जो कि परफेक्टली वर्क कर रही है बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी इशू के। नहीं तो काफ़ी सारी एप्लीकेशन ऐसी थी जो क्रैश हो रही थी, जिसमें कोई फंक्शन वर्क नहीं कर रहा था। एंड नाउ फाइनली एक ऐसी एप्लीकेशन मिल चुकी है। तो स्टेप नंबर वन, मतलब वीडियो को ध्यान से देखना, स्टेप्स को फॉलो करना, अदरवाइज बाद में कमेंट करोगे भाई ये वर्क नहीं कर रहा, वो वर्क नहीं कर रहा। सो पहला स्टेप तो काफ़ी ईजी है, आपको डाउनलोड करनी होगी एक एप्लीकेशन जिसका लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। दो लिंक है, एक वर्क नहीं करता तो आप सेकंड वाले से डाउनलोड कर सकते हैं। 116 MB की ये डाउनलोड फाइल है, इसको आपको डाउनलोड करना है। ये एक ज़िप फाइल होगी, तो आपको इसको सबसे पहले जो स्टेप है इसको, नहीं सेकंड स्टेप है, फर्स्ट स्टेप डाउनलोड करना है, सेकंड स्टेप इसको अनजिप करना होगा आपको। एंड देन किसी भी नॉर्मल एप्लीकेशन की तरह आपको इसको इंस्टॉल करना है। मैं भी इंस्टॉल कर लेता हूँ एंड देन फिर मिलते हैं। सो भाई साहब, यहाँ पर इंस्टॉल होने में काफ़ी टाइम लग गया, मेरे ख्याल से लगभग 4 मिनट लग गए मुझे इसमें इंस्टॉल करने के लिए, पता नहीं क्यों। सो फाइनली यहाँ पर इंस्टॉल हो चुकी है, इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है, आप देख सकते हैं। अब एप्लीकेशन को ओपन करने का टाइम आ चुका है। यहाँ पर इसके अंदर हमें काफ़ी सारी एडवांस सेटिंग्स भी देखने को मिलती है, तो मैं आपको बताऊँगा कि आप उसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एंड नाउ ये रहा वो मूवमेंट जहाँ पर कि हम इसको ओपन करके देखेंगे। आप देख सकते हो पुराना वाला भी गूगल कैमरा की एक एप्लीकेशन है जो पड़ी हुई है, वो परफेक्टली वर्क नहीं कर रही थी, एंड दिस वन इज़ वर्किंग परफेक्टली विदाउट एनी प्रॉब्लम। सो ये वो एप्लीकेशन है, परमिशंस को आपको सारी इसकी परमिशन देनी है एंड देन आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर काफ़ी सारी एडवांस सेटिंग्स भी देखने को मिल जाती है, बट आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होगी, वीडियो मोड के अंदर जो 60 FPS वाला मोड है वो परफेक्टली वर्क नहीं कर रहा। जैसे आप उस पर स्विच करोगे तो शायद कैमरा क्लोज हो जाएगा और आपकी वीडियो रिकॉर्ड नहीं होने की। अब ये A50 को सपोर्ट नहीं करता है, बिकॉज A50 सिर्फ और सिर्फ 30 FPS पर ही वीडियो शूट कर सकता है। बट कोई नहीं, ये चीज़ एक प्रॉब्लम है, ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, वीडियो आप स्टॉक कैमरा से रिकॉर्ड कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर जो मेन चीज़ है, यहाँ पर इसकी सेटिंग से काफ़ी सारी एडवांस सेटिंग है, पिक्सल जैसे फोटोज़ कैप्चर कर सकता है, कलर कंट्रास्ट वगैरह, जो कलर प्रोफाइल है वो सेम पिक्सल जैसी आएगी, तो ये काफ़ी एक यूनिक फीचर है। और मैं अगर अपने यूजेज की बात बताऊँ तो मुझे पर्सनली जो यहाँ पर इसका कलर प्रोफाइल है और ओवरऑल जो शार्पनेस वगैरह है वो मुझे काफ़ी कमाल की लगी। मतलब स्टॉक कैमरा के मुकाबले थोड़ी सी अच्छी पिक्चर क्वालिटी आ रही थी, शार्पनेस के मामले में, कलर कंट्रास्ट के मामले में, सैचुरेशन के मामले में, हर चीज़ के मामले में मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा इसका। फ़ोटोज़ आपको मैं दिखाता हूँ, थोड़ा सी शार्पनेस ज़्यादा है इस वाले कैमरे में, जबकि जो मेन कैमरा है वो 25 MP का यूज़ कर रहा है, पता नहीं, और शायद इसमें भी 25 यूज़ हो रहा है, 12 MP का सेंसर यूज़ हो रहा है, समझ नहीं आ रहा, बट ओवरऑल काफ़ी अच्छी पिक्चर क्वालिटी है। मैंने यहाँ पर कुछ सेटिंग्स को अप्लाई करा है, यानी कि कुछ सेटिंग्स को चेंज करा है, और उसके लिए हमें रिबूट करना रिक्वायर्ड है, यानी कि रिबूट करने के बाद ही जो ये वर्क करेगा प्रॉपरली। सो यहाँ पर मैं रिबूट करके मिलता हूँ आप। ओके, सो यहाँ पर हमारा जो डिवाइस है वो रिबूट हो चुका है, और मैं एक इसके गूगल कैमरा से यानी कि जो एप्लीकेशन है उस पर फोटो क्लिक करता हूँ। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो थोड़ी सी शार्पनेस ज़्यादा है, और ओवर शार्पनेस नहीं लग रही, मतलब थोड़ी क्लियरिटी मुझे ज़्यादा लग रही है, शार्पनेस भी, कंट्रास्ट भी, कलर कंट्रास्ट सब चीज़ मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और एक फ़ोटो मैं आपको इसके स्टॉक कैमरा से कैप्चर करके दिखाता हूँ, जहाँ पर कि मुझे जो है थोड़ी सी शार्पनेस कम लगी एंड थोड़ी सी नॉइज़ ज़्यादा मिली। हालांकि अभी लाइट भाग गई है, लाइट कंडीशन थोड़ी कम है, पहले ज़्यादा थी, तो मैंने दोबारा से फ़ोटो कैप्चर कराओ। ये मैंने 25 MP के कैमरा में मतलब कि इनेबल करके उसको कैप्चर करी है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो थोड़ी सी शार्पनेस कम है, उसके कंपैरिजन में थोड़ी सी नॉइज़ ज़्यादा है, तो ये कुछ डिफरेंट हमें देखने को मिलता है। तो आप ज़रूर इसके एप्लीकेशन को ट्राई करना, ये परफेक्टली ये वर्क कर रही है। और मुझे पर्सनली A50 के अंदर जो कलर कंट्रास्ट एंड शार्पनेस आई है वो भाई कमाल की लगी है। बाकी यही था आज किस वीडियो में, आई होप आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो अच्छी लगती है लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, नहीं तो सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे किसी ऐसी अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। सो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, साइनिंग आउट।